आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसमें हम लोग बेसिक से समझेंगे कि जावा स्क्रिप्ट बेसिकली है क्या, कितने प्रकार की होती है और जावा स्क्रिप्ट के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और वो प्रोग्राम हम कहाँ कैसे रन कराते हैं। जावा स्क्रिप्ट बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें दो तरह की स्क्रिप्टिंग यूज़ होती है। एक क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्टिंग होती है और सर्वर साइड पे स्क्रिप्टिंग होती है। क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्टिंग बेसिकली जब भी स्क्रिप्ट हो क्या है कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट ब्राउज़र के माध्यम से सर्वर को भेजते हैं तो सर्वर चेक करता है कि अगर क्लाइंट पे जावा स्क्रिप्ट या वीबी स्क्रिप्ट जैसा कोई टूल्स है तो सारे कोड आपके सिस्टम पे क्लाइंट पे ट्रांसफ़र होता है और वो पर्टिकुलर साइट वहीं पे क्लाइंट पे रन करती है। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में अगर क्लाइंट पे जावा स्क्रिप्ट या वीबी स्क्रिप्ट नहीं है तो वो सर्वर पे ही रन करता है। उसके लिए हमें .NET PHP की सहायता से हम रन कराते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का क्या बेनिफिट है? जैसा हम सभी जानते हैं जावास्क्रिप्ट एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट पे हम किसी कार्य को परफॉर्म कराते हैं। अब जैसे कई इवेंट हैं उसे हमें देखना है। जैसे कि क्लिक एक इवेंट है, हम सिस्टम में क्लिक करते हैं और कुछ चेंजेस आ जाते हैं या डबल क्लिक करने पे कुछ चेंजेस आते हैं, राइट क्लिक करने पे, माउस ओवर करने पे, ड्रैग ड्रॉप करने पे कोई चेंजेस होता है अपनी वेबसाइट में या की प्रेस करने पे, की अप करने पे। तो ये पर्टिकुलर ये सारे इवेंट हैं। इन इवेंट पे अगर हम कोई प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि इसको ऐसा क्लिक करने पे कुछ ब्राउज़र वेबसाइट पे चेंज होता है तो ये जावा स्क्रिप्ट में हम कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसमें क्लिक पे आप कुछ करते हो या फिर डबल क्लिक पे, राइट क्लिक पे, माउस ओवर, इस तरह का आप कोई भी टास्क इसमें परफॉर्म कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आखिरकार जावा स्क्रिप्ट का बेनिफिट क्या है। जैसा हम जानते हैं जावा स्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। अगर हम अपना कोई वेब साइट बनानी है, वेब को डेवलप करना है तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। आज के मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छा डिमांड है इसका। और आप लोग जानते हैं तीसरा यूज़ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में है। हर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आजकल मोबाइल बहुत सारे टूल्स काम कर रहे हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन काम करते हैं और उन एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें किस तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली हमें पहला एक HTML एडिटर चाहिए और एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। HTML एडिटर मार्केट में कई हैं जिसमें कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने के लिए। जो प्रचलित हैं मार्केट में नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइन, एटम। इसके अलावा हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी इसका कोड रन लिख सकते हैं। दूसरा हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे हम ये इसका प्रोग्राम रन कराएंगे। वेब ब्राउज़र कई अवेलेबल हैं मार्केट में, आप इसमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी एट्सेट्रा। अब हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम रन कराने के लिए दो तरीके आपके पास हैं। एक इन पेज जावा स्क्रिप्ट कोडिंग करते हैं और दूसरा एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट कोड करते हैं, लिखते हैं। इन पेज जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए इन पेज जावा स्क्रिप्ट के कोड प्री डिफाइंड कोड है। जैसा कि हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था, उसमें आपको
HTML हेड, फिर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्लोज करते हैं, हेड क्लोज करते हैं, बॉडी सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे मैंने एक ट्रायल नाम से लिखा एक लिया हुआ है और स्क्रिप्ट, और इसको हम फिर बॉडी क्लोज करते हैं, HTML क्लोज करते हैं। इसके बाद हम इसे सेव करते समय फाइल के नेम और .html से सेव कर देते हैं, जिसको हम वेब ब्राउज़र पे जाके इस पर्टिकुलर फाइल को रन कराते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल की। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल का मतलब ये होता है कि हम पर्टिकुलर अपने जावास्क्रिप्ट की कोडिंग नोट पैड में लिख के उसको .js के नाम से सेव करते हैं, उसका एक्सटेंशन .js रहेगा, और उसको रन कराने के लिए हम सिंपली अपने फाइल में, स्क्रिप्टिंग फाइल में उस पर्टिकुलर पाथ को जहाँ पे हमने वो फाइल सेव किया है myscript.js उसको कॉल करते हैं और फिर उसके बाद उसको ब्राउज़र पे रन कराते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों प्रोग्राम को रन करा के दिखाता हूँ।